नमस्कार स्वागत है सभी आंगनबाड़ी बहनों का आज के इस नए वीडियो में तो आज की ये वीडियो सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है इस वीडियो में आपको मैं कुछ खास जानकारी देने वाला हूँ जैसे कि पोषण ट्रेकर ऐप पे आपको जो चार काम है वो कंप्लीट करके रखने हैं जैसे कि कभी भी एल एस मैम के द्वारा आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर कभी भी जाँच हो तो उसमें आप पहले से ही तैयार रहें जैसे कि वो चार मॉड्यूल कौन कौन से हैं जिसको आपको कम्प्लीट भर के रखना है उसमें कोई भी गलती नहीं करना है आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप चारों मॉड्यूल के बारे में बताऊंगा तो वीडियो आप लोग कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग जितना ज़्यादा लाइक करेंगे हमें उतना ज़्यादा मोटिवेट मिलेगा और हम आपके लिए इस प्रकार से नए नए वीडियोज़ लेके आते रहेंगे और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन जो देख रहे हैं उसको दबाकर घंटी के बेल नोटिफिकेशन दबाने के बाद ऑल का बन जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये तो देखिए सबसे पहला काम यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि जो ए इंफ्रास्ट्रक्चर सी दिया गया है इस ए डब्ल्यू सी इंफ्रास्ट्रक्चर में सभी डिटेल्स आपको सही सही भर लेने हैं जैसे कि मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाता हूँ ए डब्ल्यू सी में ये जो पाँचों फॉर्म देख रहे हैं इन पांचों फॉर्म में आपको सही सही विवरणी डाल लेनी है जो आंगनबाड़ी केंद्र की विवरणी है उसको सही सही डाल के आपको रख लेनी है ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो जैसे कि मूल और लागत विवरणी यहाँ पे देख सकते हैं जैसे पाला वाला पेज ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपने इसको कब दर्ज किया है इसका डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं और इसमें कुछ भी सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ से आके फिर से आप यहाँ पे सुधार कर सकते हैं जैसे कि कई बार क्या होता है कि जो आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं उनको ये कन्फ्यूज़न होती है कि जो किराए पे बिल्डिंग है उनको कैसे भरना है और स्वामित्व वाले जो यानी आईसीडीएस भवन का जो बिल्डिंग है उसमें कैसे यहाँ पे डिटेल्स भरनी होती है तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ए डब्ल्यू सी इन्फ्रास्ट्रक्चर की जो डिटेल्स है उसको कैसे भरना है उसकी मैं कंप्लीट जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कैसे आपको ए डब्ल्यू सी इंफ्रास्ट्रक्चर भरनी है अभी फिलहाल जो मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ कि चार काम जो है वो कम्प्लीट रखने हैं जैसे कि ए डब्लू सी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पिछला अपडेट आया था आपको याद होगा जिसमें कि ये जो फॉर्म है उस फॉर्म में आपको इन्फेंटोमीटर और स्टेडियोमीटर की जो जानकारी भरनी थी वो इसी फॉर्म में भरनी है और इसको सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को भरना है तो ये आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं उनका अगर आंगनबाड़ी केंद्र पे इन्फेन्टोमीटर और स्टेडियोमीटर है वो भी आंगन सेविकाएं भरेंगी और जिनके आंगनबाड़ी केंद्र पे ये मशीनें नहीं हैं वो भी आंगनबाड़ी सेविकाएं इस फॉर्म को कंप्लीट भर लेंगी चलिए अब मैं आपको दूसरा वाला बताता हूँ कि दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा वो फॉर्म है यहाँ पे देख सकते हैं ए डब्लू सी स्थिति तो ए डब्लू सी स्थिति भी आपको हर महीने भरने हैं और ए डब्ल्यू सी इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको हर महीने पोषण ट्रेकर ऐप में भर लेने हैं दो ये काम हो गया तीसरा काम मैं आपको दिखा रहा हूँ जो बेनिफिशरी वाला कैटेगरी है इसको आप लोग ओपन करेंगे ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि जो गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली महिलाओं का मॉड्यूल दिया गया है इसमें आपको कंप्लीट आठ गर्भवती महिलाएं में और आठ स्तनपान कराने वाली महिलाओं में आठ आठ लाभार्थियों को रखने हैं आठ से ज़्यादा भी हो सकते हैं कम नहीं होने चाहिए यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे मॉड्यूल में यहाँ पे स्तनपान कराने वाली महिलाओं में तेरे लाभार्थियों का दिखा रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं कि बारह ही बच्चे इसमें ऐड दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो बारह बच्चे हैं इसमें से एक बच्चा निकलकर यहाँ से छः महीने से लेकर तीन साल तीन साल वाले कैटेगरी में ऐड हो चुका है लेकिन यहाँ पे जो है स्तनपान कराने वाली महिलाओं की जो सूची है उसमें से वो स्तनपान कराने वाली महिलाओं की जो डिटेल्स है वो अभी यहाँ पे नहीं हटी है तो वो भी यहाँ से जल्द हट जाएगी जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें है तो इसमें भी तेरह ही होने चाहिए बारह है तो बारह ही होने चाहिए कम या ज़्यादा हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं यहाँ से यहाँ आ जाते हैं लेकिन यहाँ से ये वाले मॉड्यूल से वो लाभार्थी नहीं हट पाते हैं तो इसके लिए आपको दिक्कत नहीं है जल्द जल्दी इस मॉड्यूल से हट जाएंगे और देखिए जो लास्ट मैं आपको मॉड्यूल बताने वाला हूँ वो आपको कंप्लीट कर लेने हैं जैसे कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जितने भी बच्चे आप लोग देख रहे हैं इन सभी का ग्रोथ मोनिटरिंग कम्प्लीट होना चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी बच्चों का यहाँ पे ग्रोथ मॉनिटरिंग है वो कंप्लीट हुआ है तो इस प्रकार से आपको सभी बच्चों का ग्रोथ मॉनिटरिंग भी कंप्लीट कर लेना है ये चारों काम अगर आप लोग पोषण ट्रेकर ऐप में करके रखते हैं तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी कभी भी कोई भी जांच हो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी तो ये जो चार काम हमने आपको बताए वो चारों काम आपको कंप्लीट पोषण ट्रेकर ऐप में कर लेने हैं वैसे तो सभी कार्य महत्वपूर्ण है लेकिन ये चार जो हमने आपको मॉड्यूल बताए ये चारों मॉड्यूल आपको कंप्लीट कर लेने हैं ए डब्ल्यू सी स्थिति के बारे में अगर आप लोग पूरी कंप्लीट जानकारी जानना चाहते हैं कि ए डब्ल्यू सी स्थिति कैसे भरें तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कीजिएगा आपको मैं अलग से एक वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा कि ए डब्ल्यू सी स्थिति कैसे भरना है तो उम्मीद है आप सभी को हमने आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी दे दी है कि पोषण ट्रेकर ऐप में चार महत्वपूर्ण जो मॉड्यूल है उन सभी को कैसे आपको भरना है और क्या क्या जरूरी चीजें हैं उसको ध्यान में रखना है तो आज की ये वीडियो आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को कैसी लगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को सभी आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर जरूर करें मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद